بسم الله الرحمن الرحيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आर्किमिडस प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल डेरिवेशन को इंशाल्लाह कवर करने जा रहे हैं। आर्किमिडस प्रिंसिपल पे डिटेल लेक्चर आपने अटेंड किया है और आपने आर्किमिडस प्रिंसिपल की जो जनरल स्टेटमेंट है उसको भी पढ़ा, जिसके अल्फाज कुछ यूं थे, When an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it equal to the weight of the liquid it displaces. यानी जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर टोटली या पार्शियली, यानी पूरे का पूरा उसको डिप कर दें या कुछ हिस्सा उसका पानी के अंदर लिक्विड के अंदर डिप कर दें, तो एन अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट करता है, यानी एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ उसके ऊपर एक्ट करती है और ये फोर्स इक्वल होती है जी टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, जितना लिक्विड इस ऑब्जेक्ट रखने से डिस्प्लेस हो जाता है उस लिक्विड का अगर आप वेट कर लें तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो उसके वेट के इक्वल ही अप्लाई हो रही होगी। इसी बात को बेसिकली आज हमने प्रूफ करना है मैथमेटिकल वे में, ठीक है, कि वाकई जो अपथ्रस्ट होता है वाकई वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के इक्वल होता है या नहीं होता। इस चीज को हम प्रूफ करेंगे जी आज के इस लेक्चर में और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसके लिए आपको attentively इस lecture को attend करना है, ठीक है। So students, let's start. First of all, हम एक ये diagram इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस diagram को देख के सारी situation का अंदाजा होगा और साथ में ये छोटा सा एक paragraph है जो उस चीज को describe करेगा कि ये diagram किस चीज की है और इसमें ये जो labeling हुई हुई है इसका मतलब क्या है, ठीक है जी। तो students, consider a solid cylinder of cross sectional area A and height h immersed in a liquid as shown in the figure. जी, फर्ज करें कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक सॉलिड सिलेंडर है, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये सॉलिड है, ठीक है। ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो एरिया है उसको हमने कैपिटल ए का सिंबल दिया, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया हमने, एंड हाइट एच, और इसकी जो हाइट है वो एच से हमने रिप्रेजेंट की, मींस के ऊपर से लेके नीचे तक टॉप टू बॉटम जो इसकी हाइट बनती है उसको हमने एच का सिंबल दिया जी। ये साइड पे आप देख रहे हैं हमने इसको भी लेबल किया। उसके बाद है जी, लेट एच वन एंड एच टू बी द डेप्थ ऑफ द टॉप एंड बॉटम फेसेस ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब फर्ज करें कि इस सॉलिड सिलेंडर, ये जो ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर रखी हुई है, इसका ये टॉप फेस है, ये इसका टॉप फेस है, ऊपर वाला इसका एंड है और ये इसका बॉटम फेस है, यानी इसका नीचे वाला इसका ये एंड है, ठीक है। हम ये लेट कर लेते हैं कि जो टॉप फेस की जो डेप्थ है, डेप्थ का मतलब आपको पता है गहराई होता है और गहराई हमेशा हम सरफेस ऑफ लिक्विड से शुरू करते हैं और एक खास हद तक जाते हैं, उसको हम डेप्थ कहते हैं, ठीक है। अगर आप टॉप फेस की डेप्थ को मेजर करें तो वो कहां से कहां तक होगी, वो होगी जी सरफेस से लेके ये टॉप फेस तक, ये टॉप फेस यहाँ पे खत्म हो रहा है तो यहां से लेके यहां तक ये जो इसकी जो डेप्थ है इसको हमने H1 का नाम दे दिया, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है लेट H1।
उसके बाद है जी एच टू। एच टू का मतलब है कि बॉटम फेस की जो डेप्थ है वो क्या होगी, उसको हमने एच टू बोलना है। लेकिन बॉटम फेस की डेप्थ हम कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे? देखें, डेप्थ हमेशा लिक्विड सरफेस से स्टार्ट होती है, तो ये लिक्विड सरफेस है आपके पास, तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आप नीचे बॉटम फेस तक जाएंगे, यहाँ पे आके आप रुकेंगे, ये बॉटम फेस है उसका, तो इस डेप्थ को हमने कह दिया एच टू। ठीक है, ये आपके पास एच टू है। तो ये बेटा आपके पास दो डेप्थ हैं जिनको हमने यहाँ पे मजीद लेबल आउट कर दिया। ठीक है, एक एच वन है, दूसरी एच टू है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक हम इक्वेशन बनाते हैं एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू एच, इस इक्वेशन का क्या मतलब है जी, पहले इसको समझ लेते हैं। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि एच टू में से अगर एच वन को माइनस किया जाए, देखें ये एच टू है, यहां से लेके यहां तक एच टू है, इसमें से अगर एच वन को माइनस कर दें, मीन्स कि ये एच वन है, एच वन के बराबर बराबर इसमें से जो लेंथ है अगर आप उसको निकाल दें। ठीक है, फर्ज किया कि अगर आप चले हम इसको देखते हैं, ये आपके पास बेटा ये एच टू है, अगर इस एच टू में से एच वन को माइनस कर दें, ये देखें एच वन यहाँ से यहाँ तक है, इतना एरिया अगर आप इसमें से इतनी लेंथ अगर इसमें से निकाल दें, तो पीछे आपके पास ये चीज बच जाती है, और ये चीज किसके इक्वल आ रही है जी, ये एच के इक्वल आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एच टू में से अगर आप एच वन को माइनस करेंगे तो एच बाकी रह जाएगा। तो ये आपके पास एक फॉर्म हमने यहाँ पे बेसिकली बनाई है, ये है जी एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू एच। इसको आप अच्छी तरह जहन में बिठा लें, क्योंकि आगे आने वाले स्टेप्स में हम एच टू माइनस एच वन को यूटिलाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है इफ पी वन एंड पी टू आर द लिक्विड प्रेशर्स एट डेप्थ एच वन एंड एच टू रिस्पेक्टिवली एंड रो इज इट्स डेंसिटी। ठीक है, जो रो है वो डेंसिटी है लिक्विड की, देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। देखें, आपने प्रेशर का एक फार्मूला डिराइव किया था गुज़िश्ता लेक्चर्स में, पी इज इक्वल टू रो जी एच, यानी डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डेप्थ। ठीक है, ये प्रेशर का हमने एक फार्मूला डिराइव किया था अपने गुज़िश्ता लेक्चर्स में, आपने उसको अटेंड किया हुआ है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि P1 और P2, ये दो प्रेशर्स, एक प्रेशर जो है ये टॉप फेस का जो है, इस डेप्थ के लिए हम P1 फाइंड करेंगे, और जो बॉटम फेस के लिए जो प्रेशर है उसको हम P2 बोलेंगे। हम इनके ज़रा यहाँ पे इक्वेशंस लिख लेते हैं एक साइड पे। ठीक है, तो फ़र्ज़ किया P1 का जो फार्मूला है वो बन जाएगा डेंसिटी इंटू जी इंटू एच वन, क्योंकि जो प्रेशर P1 है ये फर्स्ट डेप्थ के लिए, एच वन जो डेप्थ है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए एच की जगह हमने एच वन यूज किया। बाकी डेंसिटी और जी जो है इसमें आपने वन नहीं लगाना, क्योंकि ये तो सेम ही होती हैं। डेंसिटी का मतलब है इस पूरे लिक्विड की कितनी डेंसिटी है, और जी का मतलब है ग्रेविटी कितनी है, तो वो तो टॉप पे और बॉटम पे सेम ही होगी। ठीक है, लिहाजा जब आप बॉटम की इक्वेशन यहाँ पे बना रहे हैं, ये देखें आप बॉटम की जब आप इक्वेशन बनाएंगे ये वाली, तो इसमें भी आपने डेंसिटी और जी के नीचे कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट आपने डेप्थ की जगह H2 यूज किया है। ठीक है, डेप्थ है ये, H2 आपने यूज कर लिया यहाँ पे, तो ये आपके पास P2 का भी एक फार्मूला बन गया। हमने जस्ट ये किया कि P1 और P2 का एक फार्मूला बना दिया है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने डेरिवेशन को कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम फोर्सेस की बात करेंगे। ठीक है, कि जो प्रेशर P1 है जो कि टॉप फेस पे अप्लाई हो रहा था, जो प्रेशर P1 है ये टॉप फेस पे अप्लाई हो रहा था, और जो प्रेशर P2 है ये बॉटम फेस पे अप्लाई हो रहा था। तो अब हम ऐसे करते हैं कि लेट द फोर्स इज एग्जर्टेड एट द सिलेंडर टॉप बाय द लिक्विड ड्यू टू प्रेशर P1। एक फोर्स टॉप फेस पे अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड, और ये फोर्स प्रेशर P1 की वजह से अप्लाई हो रही है। ठीक है, और एक फोर्स है जो नीचे की तरफ से अप्लाई हो रही है, वो F2 है, और ये प्रेशर P2 की वजह से अप्लाई हो रही है। अब हमने इन फोर्सेस के लिए एक एक फार्मूला, एक एक इक्वेशन इनके लिए भी बनानी है। ठीक है,
तो अब आप जरा गौर करें, क्योंकि आपने प्रेशर का एक बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको। स्टूडेंट्स, प्रेशर का जो बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा था वो था एफ डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर मैं यहाँ से एफ की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो क्या आएगी, एफ की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो वो आ जाएगी पी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है, यानी प्रेशर इनटू एरिया। ये हमारे पास फोर्स के लिए इक्वेशन इस फार्मूले से ही बनती है, ठीक है। तो अब हमने चूंकि फोर्सेस के लिए इक्वेशन बनानी है, लिहाजा अब आपने इस इक्वेशन को अपने जहन में रखना है, एफ इज इक्वल टू पी इनटू ए। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखें, हमने फोर्स एफ वन के लिए इक्वेशन बनाई। एफ वन की जो फार्मूला होगा, अभी मैंने जैसे आपको बताया एफ वन का फार्मूला, एफ का फार्मूला मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं, एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए, ठीक है। तो उसमें आप देखें कि एफ वन की वैल्यू अगर हम उसकी जो इक्वेशन बना रहे हैं तो वो होगी पी वन इंटू ए, पी वन इंटू ए यानी प्रेशर नंबर वन और साथ एरिया ए है। एरिया तो सेम ही होता है, आपको पता है, वो जो आपने ऑब्जेक्ट रखी है उसका एरिया तो सेम है। एफ टू की जो इक्वेशन बनेगी वो पी टू ए होगी। अब अगर मजीद हम इसको थोड़ा सा आगे एक स्टेप और फॉरवर्ड करें तो P1 की जगह उसका जो फार्मूला जो भी आपने पीछे पढ़ा ये वाला, तो ये आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा रो इंटू जी इंटू एच वन ए, ठीक है, और F2 जो है वो बन जाएगा रो इंटू जी इंटू एच टू ए, ठीक है। तो ये हमने दो इक्वेशंस बना ली हैं F1 और F2 के लिए। स्टूडेंट्स, अब हमने ऐसे करना है कि इन दोनों फोर्सेस का नेट फाइंड करना है, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का जो नेट होगा, मतलब इनका जो टोटल होगा, वो बेसिकली अब थ्रस्ट ऑफ लिक्विड को शो करेगा, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस का अगर हमने नेट फाइंड करना है तो आप ये देखें कि ये दोनों फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे हो रही हैं, ठीक है। ये जो फोर्स एफ टू है ये ऊपर की तरफ है और एफ वन नीचे की तरफ है, ये दोनों चूंकि ऑपोजिट हैं लिहाजा जब आप इनका नेट कैलकुलेट करेंगे तो इनको आपने प्लस नहीं बल्कि माइनस करना होगा। जो डाउनवर्ड फोर्स होगी उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो अपवर्ड फोर्स होगी उसके साथ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो आप देखें कि ये हमने इसका नेट कैलकुलेट किया तो ये बन गया एफ टू माइनस एफ वन, ठीक है। अब एफ टू की जगह पे हमने इसकी इक्वेशन, ये जो यहाँ पे बनाई हुई थी, इसको हमने यहाँ पे पुट किया रो जी एच टू ए माइनस F1 की जो इक्वेशन बनाई हुई थी वो थी रो इंटू जी इंटू एच वन ए, ये आपने F1 की इक्वेशन बनाई थी। अब हम इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है रो जी ए, रो जी और ए आपने कॉमन लिया, अंदर रह गया एच टू माइनस एच वन। अब आपने ऊपर जैसे कि यहाँ पे देखा था कि एच टू माइनस एच वन किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, ठीक है, तो आपने ऐसे किया कि इसकी जगह पे नेक्स्ट स्टेप में एच लगा दिया। अब देखें a इंटू एच, ये जो है ये वॉल्यूम के इक्वल आ जाता है, क्योंकि एरिया जो है उसकी जगह हम लेंथ इंटू ब्रेथ लगाते हैं और h जो है वो साथ अगर ऐड कर दें तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ आ जाएगा। तो जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो ये वॉल्यूम के इक्वलेंट आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लें बेशक के वॉल्यूम इज इक्वल टू v इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ की जगह पे सिर्फ अगर मैं एरिया लगा दूं और मल्टीप्लाई बाय एच की जगह पे हम एच लगा दें तो इसका मतलब ये है कि वी जो है वो ए इंटू एच के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो लिहाजा हमने ए और एच की जगह पे वी रिप्लेस कर दिया और ये बन गया रो इंटू जी इंटू वी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपकी इक्वेशन इस पॉइंट पे यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब देखें ये जो आपके पास रिजल्ट्स आए हैं ये अब थ्रस्ट ऑफ लिक्विड को शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप रो इंटू जी इंटू वी को भी थोड़ा सा मजीद आगे सॉल्व करें, कंटिन्यू करें, तो ये चीज वेट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, यानी कि डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, जो कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड होता है, ठीक है। अगर आपने इसके मजीद इससे फर्दर स्टेप्स देखने हैं तो आप यहाँ पे साइड पे देख लें, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, ठीक है, तो वो आपको नजर आ रहे हैं। देखें इसके जरिए से हम इसको रो इंटू जी इंटू वी को फर्दर प्रोसीड करते हैं डब्ल्यू तक। इसका मतलब यह है कि ये जो आपके पास ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट बेसिकली किसके इक्वल आ रहा है,
ये W के इक्वल आ रहा है, और W क्या है, वेट है। वेट किसका, डिस्प्लेस लिक्विड का। तो पता चला कि जो अप थ्रस्ट ऑफ लिक्विड होता है ये इक्वल टू होता है जी वेट ऑफ द लिक्विड विच डिस्प्लेसेस। ठीक है, तो यही बात आर्किमिडस प्रिंसिपल की जनरल स्टेटमेंट में हमने पढ़ी थी और ये बात यहाँ पे हो रही है प्रूफ। तो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।